Good morning students, welcome to online classes of Sierra International School. So let's continue our topic, that is number system. Third question हम कर रहे थे, देखिए third question important है, ठीक? आपके पास क्या है? कुछ rational numbers given है, जिसको आपको convert करना है p by q form में, ठीक? अब जैसे ये 0.6 bar है, कैसा है ये? Bar मतलब क्या है? ये number repeat हो रहा है, ठीक? Repeat हो रहा है, और साथ साथ क्या है ये? Non-terminating, means रुक नहीं रहा, non-terminating but repeating, कैसा number होता है? Rational. नंबर है ये, ऐसे ही 0.47 बार, इसका मतलब क्या है? 0.47777 चलता जा रहा है ये, इसका मतलब कैसा हो गया ये? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ये भी, तो ये भी कैसा हो गया? रैशनल नंबर, ऐसे ही ये वाला, ठीक है? तो इन रैशनल नंबर्स को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? पी बाय क्यू फॉर्म के अंदर, ठीक? तो देखो कैसे करोगे, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 बार, ठीक? मैंने इसको क्या सपोज कर लिया, एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है? अब ये ध्यान दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.666 चलता जा रहा है ये, ठीक है? अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है वो पॉइंट के जस्ट बाद आना चाहिए। यहाँ रिपीट कौन हो रहा है? 6 रिपीट हो रहा है, पॉइंट के जस्ट बाद आ रहा है, यहाँ तक सही होगा, ठीक है? अच्छा, अब जो नंबर रिपीट हो रहा है वो कितने है? एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, कौन सा? 6। अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 10 से मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक? LHS में तो कितना हो जाएगा ये? 10x, ठीक? RHS को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 पॉइंट से आगे आ जाएगा, कितना हो गया ये? 6.666 चलता जाएगा ये इनफिनिट तक, ठीक है? अब ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन और ये आ गई सेकंड, ठीक? अब हमने क्या देखा, यहाँ पे कितना है 0.666 बार, ठीक है? और यहाँ पे कितना है 6.666, ये चलता जा रहा है, ठीक है? अगर इस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दे, ठीक, तो यहाँ पे देखो ये 6 बार है पॉइंट के बाद, और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना है 6 बार, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 6 माइनस 0 कितना बचेगा ये 6, ठीक है? ऐसे ही 10x माइनस 1x कितना हो गया ये 9x, कैसे आया? सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड इक्वेशन में से मैंने फर्स्ट को माइनस कर दिया, 10x माइनस x कितना हो गया 9x, और इसको देखो 6.66 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 6.6 बार, इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं 0.6 बार, तो ये तो कैंसिल हो गया, 6 माइनस 0 कितना रह गया 6, क्लियर? RHS में कितना आ गया 6 और LHS में कितना आ गया 9x, क्लियर? तो अब इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6/9, क्लियर? तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अब इसको सिंपलीफाई कर लो, कितना हो गया ये 2/3, बस। तो हमने 0.6 बार को किससे रिप्रेजेंट कर दिया 2/3 फॉर्म, क्योंकि x हमने किसको अपोज किया था 0.6 बार को, इज इक्वल टू 2/3, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है? फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर, ऐसे ही देखो सेकंड पार्ट, सेकंड में कहता है 0.47 बार। अब ध्यान ये रखना है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है वो कहाँ आना चाहिए, पॉइंट के जस्ट बार, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है, 7, उससे पहले कौन आ रहा है, 4, तो इस 4 को पॉइंट से आगे लेके आना पड़ेगा, ठीक? तो अब मैंने कैसा पॉज कर लिया, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.7 बार, ठीक? अब पहले इस 4 को आगे लाने के लिए दोनों साइड किस मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो मल्टीप्लाई बाय 10, कितना हो गया ये 10x इज इक्वल्स टू, ये 4 आ गए 4.7 बार, क्लियर? अब पहला काम हो गया कि जो नंबर रिपीट हो रहा है वो जस्ट पॉइंट के बाद आ रहा है, ठीक है? अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक? इसको मैंने सपोज कर लिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक? अब मुझे क्या देखना है कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, कौन सा? 7। एक ही नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10x इनटू 10 कितना हो गया ये 100x, और यहाँ देखो 4.7 बार मतलब क्या है, 4.77 चलता जा रहा है, ठीक? 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 7 आगे आ जाएगा और बाकी सारे 7 पीछे, उसको हम 7 बार लिख सकते हैं, तो ये हो गया 4.7 बार, ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन, यहाँ तक क्लियर, ठीक है? अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ भी 7 बार है, यहाँ भी 7 बार है, माइनस कर दें, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड, सॉरी सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 100x माइनस 10x कितना हो गया ये 90x इज इक्वल टू, अब 47.7 बार माइनस 4.7 बार कितना हो गया ये 43, तो x इज इक्वल टू 43 डिवाइड बाय 90, x हमने किसको सपोज किया था 0.47
बार जो किसके इक्वल आ गया 43/90 दिस विल बी योर आंसर ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे थर्ड पार्ट है कितना है 0.001 बार। सबसे पहला स्टेप कि जो नंबर रिपीट हो रहा है वो पॉइंट जस्ट बाद आना चाहिए। नंबर कौन रिपीट हो रहा है 001 वो पॉइंट जस्ट बाद आ रहा है ठीक है। तो एक काम तो हमारा काम हो गया ये वाला ठीक। अब डायरेक्ट सबसे पहले इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं ठीक। अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर तीन नंबर रिपीट हो रहे तो 1000 से एक हो रहा है तो 10 से दो हो रहे तो 100 से तो कितना हो जाएगा ये 1000 एक्स इज इक्वल्स ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तीनों डिजिट पॉइंट से आ गया 001 पॉइंट बार वाली टर्म पीछे एज इट इज रहेगी ठीक है। तक अब क्या करते हैं ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों के डेसिमल के बाद सेम डिजिट आ गए तो अब क्या कर सकते हैं इसको सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड 1000x माइनस x कितना हो गया 999x इज इक्वल्स टू पॉइंट वन तो कैंसिल हो जाएंगे 1 माइनस 0 कितना रह गया 1 तो x इज इक्वल्स टू 1/999 x हमने किसको सपोज किया था 0.001 इज इक्वल्स टू 1/999 क्लियर।